हेलो गाइस, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर, आप लोगों के बीच साथियों, एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट एलटी के कला संबंधित साथियों वीडियो पे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए। साथियों, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कुछ बच गए थे साथियों, उन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगेंगे। और क्वेश्चन और वीडियो अच्छे लगे तो साथियों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। साथियों, हमारे प्ले स्टोर पर बहुत सारे वीडियो हैं जो कला आर्ट और टीजीटी पीजीटी से ईएलटी से संबंधित नेट जीआर। साथियों, तो वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को साथियों पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए साथियों। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप लोगों को सबसे पहला आज का प्रश्न दिखाई दे रहा है, लेह क्षेत्र यानी लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है। कह रहा है कि लेह क्षेत्र का जो लद्दाख है, वहाँ पर जो प्रागैतिहासिक चित्र का जो केंद्र है, कौन सा केंद्र है जिसे बनाया गया है केंद्र, तो कौन सा है जो लेह लद्दाख का प्रागैतिहासिक केंद्र माना गया है। साथियों, दलबंद, सस्पाल, लाउदियार, फकी नीली, तो कौन सा क्षेत्र है जिसे साथियों प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र माना गया है जो लद्दाख का है। तो चारों में से देखिए आपका राइट आंसर क्या होता है साथियों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जो आपका राइट आंसर है सही वो हो जाएगा सस्पाल। सस्पाल जो है ये लद्दाख का प्रागैतिहासिक केंद्र है, चित्रों का प्रागैतिहासिक कला चित्रों का क्या है साथियों, केंद्र है लेह का सस्पाल। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका खा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ। कह रहे कि जो भारतीय चित्रकला है उसका प्रादुर्भाव कब हुआ या कैसे हुआ, किससे हुआ, चित्रकारी से, शैल चित्रों से, चित्रलिप से या भित्ति चित्रों से। तो चारों ऑप्शन में आप देखिए, इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा साथियों, चित्रकारी से होगा, शैल चित्रों से होगा, चित्रलिप से या भित्ति चित्रों से। तो देखा जाए तो साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर सही होगा वो हो जाएगा भारतीय चित्र का जो प्रादुर्भाव हुआ था कहाँ से हुआ था, तो शैल चित्रों से ही हुआ था। तो खा वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भीम बेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं। कह रहा है कि भीम बेटका से जो प्राप्त हुए हैं चित्र, वो ज़्यादा से ज़्यादा किस रंग के बने हुए हैं या किस रंग के जो भीम बेटका से चित्र मिले हुए हैं, कथई रंग, लाल रंग, नीला रंग, बैगनी रंग, तो किस रंग के हैं साथियों। हेलो, यहाँ तो देखिए साथियों, भीम बेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं। तो देखा जाए साथियों, जो चारों ऑप्शन है, कथई रंग, लाल रंग, नीला रंग या बैगनी रंग, तो चारों में से कौन सा रंग हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे जो आपका लाल रंग होगा खा वाला आंसर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भीम बेटका से जो प्राप्त होने वाले चित्र थे उनका जो रंग था वो लाल रंग था। अगला है आपका, सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी। हेलो, अगला है साथियों, सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी। तो देखिए 49 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत ही मस्त और अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो 1905 में, 1910 में, 1915 में या 1920 में, तो सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज पूछ रहा है कब हुआ था साथियों। तो कब हुआ था यहाँ पे देखिए, तो जो 1910 ईस्वी है यहीं पे ही इसी समय क्या हुआ था, सिंघनपुर के शैल चित्रों की क्या हुई थी, खोज हुई थी साथियों। तो 1910 ईस्वी में हुआ था सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज, तो इसलिए खा वाला आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, दक्षिण भारत के किस स्थान पर, कह रहा है कि दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। स्थान कहाँ है, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, बेल्लारी से, कुपगल्लू से, टेक्कालकोटा से या सयान कल्लू से। तो दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए साथियों, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में साथियों। तो देखिए,
50 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, दक्षिण भारत का जो स्थान है और शैल चित्र के लिए है, तो वह है आपका बेल्लारी। क्या हो जाएगा साथियों? बेल्लारी जो है दक्षिण भारत में है, ये शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे बेल्लारी से। तो क वाला आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार, सैनिक एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शैल श्रेय से प्राप्त हुआ है? कारक के कवच पहने हुआ सैनिक और घुड़सवार, ये जो शैल चित्र है कहाँ से मिला हुआ है? भलडरिये से मिला हुआ है, भीमबेटका से, या कांडा कोट से, या बसौली से? तो कहाँ से मिला हुआ साथियों यह चित्र जो सैनिक जो है घुड़सवार से है, यह चित्र आपको कहाँ से मिला न देखने को? तो यह चित्र जो है साथियों, सैनिक जो है घुड़सवार पर या सेना जो है घुड़सवार हैं, ये चित्र जो हमको देखने को मिलता है भीम बेटका में देखने को मिलता है साथियों। तो यहाँ पे खा वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, आदि चित्रकला का उद्गम हुआ, कह रहा है कि जो आदि चित्रकला है, आदि मानव संबंधित जो चित्रकला है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ था? आदि चित्रकला का उद्गम या जन्म प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो महलों से, दुर्गों से, गुहाओं से, या स्तंभों से? तो चार ऑप्शन दिया गया है साथियों। तो चारों ऑप्शन में जो आपका, इन चारों ऑप्शनों में से अगर देखा जाए जो सही आंसर होगा तो आपका क्या हो जाएगा? गुहाओं से। क्या हो जाएगा साथियों? गुहाओं से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख क्रेओड्राइग इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ है? जर्नल ऑफ रॉयल एसेटिक सोसाइटी में, कला और कलाकार में, संडे ऑब्जर्वर में, या आकृत में? तो किस में साथियों ये प्रकाशित हुआ? तो चारों आपदा है न सन 1899 का है साथियों, काकबर्न द्वारा यह लेख था, तो कहाँ ये प्रकाशित हुआ था? तो अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा चारों में से वो हो जाएगा जर्नल ऑफ रॉयल एसोसिएशन सोसाइटी में। तो पहला वाला आंसर आपका यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मित्रों। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चित्रकला का कार्य क्या है? चित्रकला का कार्य पूछ रहा है साथियों, रूप का आभास करना, किरमकेट लिखना, या पोतना? तो चित्रकला का क्या मतलब है यहाँ पे? तो चित्रकला का अगर देखा जाए अर्थ होगा साथियों 54 नंबर क्वेश्चन, वो होगा रूप का आभास कराना। तो का वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाथी घोड़े महेश सांभर जिराफ समूह अस्त्रधारी अश्वरोही धनुर्धारी, इतने सारे चित्र हैं, जैसे हाथी हो गया, घोड़े को गया, महेश हो गया, सांभर और जिराफ समूह अस्त्रधारी अश्वरोही धनुर्धारी आज क्षेपांकन पद्धत कौन सा कह रहा है? क्षेपांकन पद्धत से कहाँ बनाए गए हैं साथियों न? तो कहाँ बनाए गए हैं? तो इसमें देखना है कहाँ बनाए, मानिकापुर में, आदमगढ़ होशंगाबाद में, चक्रधरपुर में, या मंदसौर में? तो ये चित्र कहाँ से बना, कहाँ देखने को मिलता है जो इसमें धनुर्धारी इतने सारे चित्र हैं और क्षेपांकन पद्धति बनाए गए हैं? तो ये है आपका जो आंसर, इसमें चारों में सही होगा साथियों, खा वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आदमगढ़ और होशंगाबाद से ये चित्र देखने को मिलते हैं। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेड़ दृश्य में चित्रित किया गया है, कारक सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेड़ दृश्य है न, उसमें कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? तो दृश्य देखिए क्या है, घोड़े का आखेट है, हाथी का आखेट है, खरगोश का आखेट है, या जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य है? तो कौन सा दृश्य यहाँ पे दिखाया गया साथियों? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो दृश्य मिलता है जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य यहाँ से देखने को या देखने में मिलता है। तो इसलिए घ वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का सुंदर दृश्य, क्या कह रहा है साथियों? मरा हुआ क्या है? सुअर है, इसको पकड़कर ले जाने का सुंदर दृश्य किस शैल श्रेय में अंकित मिलता है? पंचमढ़ी से, होशंगाबाद से, मिर्जापुर से, या भीम बेटका से? तो यहाँ पे जो देखने को मिलता है सुअर को पकड़कर ले जाते हैं, सुअर कैसा था? मरा हुआ। और चित्र कैसा है? शैल श्रेय चित्र है, मतलब पहाड़ी या शिला पर, पत्थर पर बना हुआ। तो ये जो बना था भीम बेटका से आपको देखने को मिलता है साथियों। तो घ वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, घायल भैंसा
तीरों से विधा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है। भैंसा कैसा है साथियों? घायल है। और किससे विधा हुआ है? तीरों से, यानी कि घायल भैंसा, उसको तीर लगा हुआ है और दम तोड़ रहा है। तो कहाँ दर्शाया गया? पंचमढ़ी में, दैमाबाद में, सिंघनपुर में या मिर्ज़ापुर में? तो कहाँ से दिखाया गया है ये चित्र, घायल भैंसे का तीरों से विधा हुआ और दम तोड़ते हुए? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, वो ग वाला बिल्कुल सही ठहरेगा। सिंघनपुर से दिखाया गया या सिंघनपुर से मिलता है यह चित्र। अगला है इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? कहाँ पर कहा रहा है साथी? इमली खोह में किस पशु के आखेट में शिकार करते हुए दृश्य दिखाया गया? सांभर का, हिरण का, बारहसिंघा का या खरगोश का? तो इमली खोह से जो शिकार करते हुए जिसका दृश्य मिला साथियों, चारों में से हो जाएगा वो सांभर का। किसका मिला साथियों? सांभर का। तो क वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है मिर्ज़ापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? कार्य कि मिर्ज़ापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य देखने को मिलते हैं? गैंडे तथा सुअर का, सांभर का, बारहसिंघा का या महिष का? तो यहाँ पे जो मिर्ज़ापुर से जो चित्र देखने को मिलता है साथियों, वो आपका गैंडे तथा सुअर का ही पशुओं का मार्मिक दृश्य देखने को मिलता है मिर्ज़ापुर से। तो का वाला यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल राइट है। अगला है पंचमढ़ी क्षेत्र के माड़ादेव कहाँ है साथियों? माड़ादेव कहाँ है? पंचमढ़ी क्षेत्र में। तो माड़ादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? कार्य के पंचमढ़ी क्षेत्र में है माड़ादेव गुफा, वहाँ की जो छत है वहाँ पे हिंसक पशु का आखेट चित्रित है। तो कौन सा हिंसक पशु है? भालू का आखेट, गैंडे का आखेट, शेर का आखेट या हाथी का आखेट? तो कौन सा हिंसक पशु है साथियों? तो 61 नंबर पर आप देखेंगे तो हिंसक में जो आएगा वो आपका शेर का आखेट होगा। किसका आखेट दिखाई देगा? शेर का आखेट। तो ग वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला है पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में, भोपाल में, झांसी में या सागर में? तो पंचमढ़ी जो स्थित है साथियों, वो आपका स्थित है भोपाल में। तो ख वाला यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाए। अगला है प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है? ओज, अलंकारिता, रेखांकन या आमूर्तन? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या विशेषता बताई गई है? प्रागैतिहासिक चित्र में क्या देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, प्रागैतिहासिक चित्र जो थे तो रेखांकन माध्यम से ही बनाए गए थे, तो इसलिए रेखांकन यहाँ पे दिखाई देता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा खनिज रंग नहीं है? करें निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो यहाँ खनिज रंग जो है वो नहीं है पूछ रहा है, तो और हैं लेकिन एक नहीं है, तो नहीं को ही आपको ढूंढना है। गेरू, रामरज, एक्रेलिक या पेवड़ी? तो कौन सा है जिसमें जो नहीं है साथियों? तो चलो इसमें देखिए, इसमें जो 64 नंबर का जो क्वेश्चन होगा साथियों, इसमें जो एक्रेलिक रंग है ये आपका खनिज रंग नहीं माना जाता है। गेरू, रामरज, पेवड़ी एक खनिज रंग है लेकिन एक्रेलिक खनिज रंग नहीं है, तो हमें नहीं ढूंढना था, तो इसलिए ग वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है मित्रों रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? रायगढ़ जिले का पूछ रहा है सिंघनपुर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, कांस्य शिल्प के लिए या शैल चित्र के लिए? 65 में देखिए तो 65 का जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो घा हो जाएगा। जो रायगढ़ जिले का सिंघनपुर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो घा वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला है मित्रों भारत के किस शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख ना क्या क्या कर रहा है? साक्ष्य में क्या है? अग्नि का राख है, कोयला है, जली हुई हड्डियां के रूप में प्राप्त हुआ है। अग्नि के रूप में साक्ष्य के राख, कोयला और जली हड्डियां प्राप्त हुई, तो कहां से? मिर्ज़ापुर से, बेल्लारी से, पंचमढ़ी से या भीम बेटका से? तो कहां से प्राप्त हुए हैं साथियों? तो अगर देखा जाए तो ये राख, कोयला और जली हुई हड्डियां जो प्राप्त हुई हैं साथियों, ये भारत के शैलाश्रय भीम बेटका से मिली हुई हैं। तो घा वाला यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला है और आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? कह रहा है
जंगली सुअर का, बैल का, हिरण का या भालू का। तो सबसे अधिक पूछ रहा है प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है, तो आपके इन चारों में से हो जाएगा साथियों हिरण का चित्र सबसे ज़्यादा बना हुआ मिलता है। तो ये रहे साथियों आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर के साथियों, वीडियो को पूरा देखिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।